नमस्कार। आज हम इतिहास का कक्षा 7 का पहला चैप्टर देखेंगे। हमने कक्षा 6 में ये देखा है कि किस तरीके से प्राचीन इतिहास के बारे में चीज़ें कही गई थी। हमने हिंदू घाटी सभ्यता के बारे में देखा। अब जो कक्षा 7 का इतिहास है ये मध्यकालीन इतिहास है। तो इसमें जो पहला अध्याय है वो जो पिछले 1000 वर्षों में बदलाव आया था इस काल में, उस पर मुख्य इसका केंद्र रहेगा। अब अगर हम इसको मुख्यतः समझने की कोशिश करें तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये थी कि इस समय पर मुग़लों का और मुस्लिम इन्वेडर्स का आक्रमण हुआ था भारत पे, और ये आक्रमण करने के लिए उनको भारत की रूपरेखा पता होना बहुत ज़रूरी था। भारत की रूपरेखा जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज़ थी? सबसे महत्वपूर्ण ये चीज़ थी कि उनके पास एक नक्शा हो, एक मैप हो, जिसके ज़रिए वो ये समझ सके कि भारत किस तरीके से फैला हुआ है, वहाँ किस तरीके से राज्यों का अलग अलग राज्य फैले हुए हैं और वहाँ की सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्या है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर समझने की ये है कि इस काल में जब हम देखेंगे तो चीज़ें किस तरीके से बदली थी, किस तरीके से सामाजिक परिवर्तन हुए थे, किस तरीके से आर्थिक परिवर्तन हुए थे, वो दोनों भी बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर हम मध्यकालीन इतिहास को विभाजित करना चाहें तो हम 3 प्रमुख हिस्सों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है हिंदू काल, दूसरा है मुस्लिम काल और तीसरा है अंग्रेजों का आक्रमण या ब्रिटिशर्स का भारत में आगमन। तो इन 3 कालों में हम मध्यकालीन इतिहास को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, हिंदू काल के समय धर्म की महत्ता बहुत बढ़ गई थी। धर्म की महत्ता बढ़ने के कारण मंदिरों का निर्माण हुआ, मूर्ति पूजा शुरू हुई, भक्ति आंदोलन शुरू हुआ। तो ये कुछ प्रमुख बातें थी जो हिंदू काल में आई। दक्षिण भारत में चोला राज्य एक प्रमुख राज्य था जहाँ पर हिंदू राज्य फैला हुआ था। उसके बाद आए मुस्लिम। मुस्लिम जब भारत में आक्रमण हुआ तब जो मुख्य डायनेस्टीज़ या रूलर्स आए थे उनमें थे तुगलक, खिलजी, मुग़ल। और मुग़लों के आक्रमण के बाद भारत बहुत छोटे छोटे क्षेत्रीय हिस्सों में बढ़ चुका था। जब वो छोटे छोटे क्षेत्रीय हिस्सों में बढ़ चुका था तो वहाँ पर क्षेत्रीय समाज या क्षेत्रीय संगठन आ गए थे। तो उन क्षेत्रीय संगठनों को किस तरीके से एकजुट किया जाए, उस पर महत्वपूर्ण विषय था। मुग़ल काल में सबसे महत्वपूर्ण था भारत में इस्लाम और कुरान का बढ़ावा। तो इस काल में इस्लाम बहुत बड़ा और कुरान की महत्ता सामने आई, अल्लाह की महत्ता सामने आई। फिर आखिर जो हम देखेंगे वो है ब्रिटिश साम्राज्य किस तरीके से भारत में धीरे धीरे आया। जैसा कि हमने कहा, इसको समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हमें भारत के बारे में समझना होगा। अगर कोई भी भारत से बाहर से भारत पे आक्रमण करना चाहता है तो उसको भारत की रूपरेखा समझने के लिए भारत के बारे में कुछ ना कुछ तो जानना पड़ेगा। तो अल इदरीसी एक अरब भूगोलिक थे। इन्होंने एक मैप बनाया, एक नक्शा बनाया, जिसमें सबसे मुख्य बात ये थी कि ये नक्शा उल्टा था। इसमें श्रीलंका ऊपर था, भारत नीचे था। हालांकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये थी कि ये तीन सदियों तक ये महत्वपूर्ण माना गया और मुग़ल काल के जो आक्रमण हुए उनका ये महत्वपूर्ण हिस्सा था। इसके बाद जो फ्रेंच भूगोलिक आए उन्होंने भी अलग अलग नक्शे दिए, पर उस समय पे लोग कन्नौज के बारे में जानते थे उत्तर प्रदेश में, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। और जैसे जैसे वो भारत के विभिन्न राज्यों के बारे में जानने लगे उनकी लालसा बढ़ती गई कि किस तरीके से भारत पे आक्रमण किया जाए। मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत को अलग में कुछ चीज़ें हैं जो उसमें विभिन्नताएं पैदा करती हैं। जैसे जो शब्द काम में लिए गए हैं मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत में, वो थोड़े अलग हैं। आधुनिक भारत को हम भारत या इंडिया कहते हैं, जबकि मध्यकालीन भारत में हम भारत को हिंदुस्तान कहते थे। मिन्हाज ए सिराज ने जब लिखा था तो उन्होंने बताया था कि किस तरीके से दिल्ली सल्तनत फैला हुआ है पंजाब से लेके बंगाल तक और गंगा से लेके यमुना तक के बीच का सारा हिस्सा दिल्ली सल्तनत का हिस्सा है। तो जैसा कि हमने कक्षा 6 में देखा,
प्रशस्ति बहुत ही महत्वपूर्ण थी। राजाओं ने जो करा या जो कहा उससे कुछ बड़ा चढ़ा के, उससे कुछ ज़्यादा उनके बारे में कहा जाता था और उसको वहाँ के उसको प्रशस्ति कहा जाता था। इसी तरह से अमीर खुसरो ने भारत को हिंद कहा और अमीर खुसरो ने भी ये बताया कि किस तरीके से भारत फैला हुआ था। संस्कृत जो थी वो सिर्फ ब्राह्मणों की भाषा थी, जो आम आदमी थे वो संस्कृत नहीं समझते थे। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें उस समय पर सामने आईं। पर सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हम मध्यकालीन भारत के बारे में किस तरीके से जानते हैं, हमारे के पास क्या चीज़ है आज ऐसी जिसे हम मध्यकालीन भारत समझ सकें। तो सबसे पहले उस समय के सिक्के हैं, उस समय के इंस्क्रिप्शंस हैं, उस समय के महल हैं, उस समय के मंदिर हैं जो बनाए गए थे, और जो हस्तलिपि है, हस्तलिपि मतलब जो हाथ से लिखा गया है। उस समय पे प्रिंटिंग प्रेस नहीं होती थी तो जो भी लिखा गया था वो हाथ से लिखा गया था, और हाथ से जब लिखा गया था तो कुछ लोग होते थे जिनको स्क्राइब बोलते थे, जो कि कॉपी करते थे, मतलब जो भी हाथ से लिखा हुआ डॉक्यूमेंट मिला है उसको देख के पढ़ के वापस से लिखते थे। तो जब आप कोई चीज़ देख के पढ़ के वापस से लिख रहे हैं तो अगर आपको बीच में कुछ समझ में नहीं आता है तो वो खाना पूर्ति आप अपने हिसाब से कर लेते हैं। तो इसी तरीके से जो स्क्राइब होते थे वो अपने हिसाब से चीज़ों को परिवर्तित करते गए, और जो मुख्य सोर्स था या जो मुख्य चीज़ थी उस चीज़ से वो धीरे 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 दूर होते गए, क्योंकि एक ने उसको बदल के कुछ और लिखा, कुछ और ने उसको बदल के कुछ और लिखा, तो जो असली चीज़ थी वो धीरे 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 ख़त्म होने लगी। इसी तरह से ज़ियाउद्दीन बरनी ने 1356 में अपनी किताबें लिखी थी, जो कि फाइनली 1971 में सामने आई। ये लाइब्रेरी में कहीं खो चुकी थी और जब ये सामने आई तब इनको पढ़ा गया और समझा गया कि उस समय पर मुगल काल में किस तरीके से चीज़ें होती थी। अब जो लिखने के तरीके थे दो महत्वपूर्ण थे, नश्तातिल और शिकाते। नश्तातिल में सुंदर लिखा जाता था, शब्दों को घुमा घुमा के लिखा जाता था और इसको पढ़ना बहुत ही आसान था। शिकास्ते में शब्दों को पास पास लिखा जाता था और इसी वजह से इनको पढ़ना थोड़ा मुश्किल था। जो मुख्य भाषाएं मुगल काल में थी, जो मुस्लिम राजाओं की थी, वो अरबिक थी या पर्शियन थी। इसी तरीके से ये जितनी भी हस्तलिपियाँ थी इनको संग्रह में रखा गया। तो ये कुछ प्रमुख चीज़ें थी जो हमें बताती हैं कि उस समय के बारे में हम किस तरीके से जान सकते हैं। उस समय कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हुई, जैसे पहिए का निर्माण। जब पहिए का निर्माण हुआ तो वो पहिया सिंचाई के काम में आना लगा, बुनाई के काम में आने लगा। पर्शियन व्हील बना जो सिंचाई के काम में आया, स्पिनिंग व्हील बना जो बुनाई के काम में आया, हथियारों का, अग्नेयस्त्रों का निर्माण हुआ, और कुछ नई फसलें सामने आईं जैसे आलू, मक्का, चाय, कॉफ़ी। तो ये कुछ प्रमुख फसलें थी जो उस समय पे सामने आईं। अब जो छोटे छोटे राज्य थे, जैसा कि हमने समझा पहले हिंदू काल था, फिर मुस्लिम काल था और फिर ब्रिटिशर्स आए, तो जो हिंदू काल था उस समय पे कुछ छोटे छोटे राज्य आए। छोटे छोटे राज्यों में प्रमुख थे राजपूत, मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ। कायस्थ जो थे वो मुख्यतः स्क्राइब थे, जो मुख्य हस्तलिपि को कॉपी करके पुनः लिखते थे। राजपूत शब्द का उदय राजपुत्र से हुआ है, मतलब राजा के पुत्र। ये मुख्यतः क्षत्रिय थे और ये अपनी लड़ाई और वीरता के लिए जाने हुए थे। इन्हीं जो सामाजिक अलग अलग विभेदन हुआ उसमें जातियों का निर्माण हुआ। जातियाँ जो थी वो कास्ट की उपजाति थी और मुख्यतः आदमी के काम पे और वो उसके रहन सहन पे आधारित थी। जो जाति थी, हर जाति के अपने कुछ नियम थे और जो भी उस जाति का हिस्सा थे वो उन नियमों को मानते थे। जाति पंचायत शुरू हुई, हर जाति की अलग पंचायत बनी और हर गांव में उनका एक मुखिया हुआ। अब अगर हम भारत में मुगल आक्रमण की बात करें तो जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे ये सारा एरिया जो नक्शे में दिया गया है ये सारा मोहम्मद बिन तुगलक के समय था। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय मुख्यतः हम ये कह सकते हैं लगभग पूरे भारत पे उनका शासन था। तो किस तरीके से ये शासन हुआ और किस तरीके से ये शासन बढ़ा ये हम अगली कक्षा में समझेंगे।
इसी के बारे में गियासुद्दीन बलबन ने लिखा है कि बंगाल से लेके गजनी तक और जितने भी छोटे छोटे राज्य बीच में आए उन सबको अपने अंदर लिया और जो द्रविड़ हिस्सा था, जो दक्षिण भारत था, उसको भी अपना हिस्सा बनाया। अब जिस तरीके से हमने हिंदुइज्म की बात की थी, भक्ति आंदोलन की बात की थी, उसी तरीके से जब मुस्लिम इन्वेजन हुआ तब इस्लाम फैला। जब इस्लाम फैला तो दो प्रमुख समुदाय थे इस्लाम में, एक था सुन्नी और दूसरा था शिया। जो शिया थे वो मुख्यतः प्रॉफेट मोहम्मद के सन इन लॉ थे, जिनको अली कहा जाता था, और जो सुन्नी थे वो खलीफा में मानते थे। सुन्नी के अंदर स्कूल्स ऑफ लॉ या मधहब आए, जो चार मुख्य मधहब थे। इसमें से सबसे प्रमुख हनाफी और शैफी थे और ये इमाम में मानते थे। शैफी जो थे वो हनाफी से थोड़े विभिन्न थे। इनका जैसे सलाह के समय ये मोज़े पहनते थे, असर का समय इनके लिए थोड़ा जल्दी होता है, तो इस तरीके की थोड़ी थोड़ी चीज़ें थी जो इनको एक दूसरे से विभिन्न करती थी। और फिर शिया सेक्ट आया। शिया में मुख्यतः आपका इस्माइल था और दाऊदी बोहरा या तैयबी, जिसमें बोहरा समुदाय आया, ये प्रमुख था। तो इस तरीके से हमने देखा कि पिछले 1000 सालों में जो मध्यकालीन भारत था उसमें जो 1000 वर्ष थे उनमें किस तरीके से परिवर्तन हुआ। अब हम इसका अध्याय दर अध्याय देखेंगे कि किस तरीके से हिंदुइज्म में चेंजेस आए, हिंदुइज्म में बदलाव आया, किस तरीके से मुस्लिम शासकों का भारत पर आक्रमण हुआ, वो हम आगे की अध्यायों में देखेंगे। धन्यवाद।